मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कार्ड होना चाहिए।